गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्या पढ़ेंगे? ईएमपी चैप्टर नंबर 4। यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आधा समझा के स्टॉप कर दिया था, अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 4 क्या है, माय फूड। क्या है? माय फूड। वी गेट फूड टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। हमको खाना हम खाना क्यों खाते हैं? बिग और स्ट्रॉन्ग के लिए। हमको खाना खाने से हम ग्रो करते हैं। हम छोटे होते हैं तो हम मिल्क पीते हैं, तो हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम क्या खाने लगते हैं? दाल राइस खाने लग जाते हैं, फिर रोटी सब्जी खाने लग जाते हैं। तो हम फूड खाने से हम क्या होते हैं? बिग एंड स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट। और फूड कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं फूड? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स से हमको फूड मिलते हैं। ओके, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब वी गेट फ्रूट्स, प्लांट्स से क्या क्या चीज़ मिलती है? तो एनिमल्स सॉरी प्लांट्स से हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। वेजिटेबल्स होते हैं पोटैटो, टोमेटो, कैरेट, गार्लिक, ओनियन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, लेडी फिंगर, बोटल गार्ड, ये सारी वेजिटेबल्स जो मम्मी बनाती है वो आप देखते ही होंगे। ओके, और क्या खाते हैं एनिमल्स? फिश।
फिश और सी फूड, समुद्र में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी खाते हैं लोग, ठीक है। तो वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स हमको क्या क्या मिलता है, एग्स एंड मिल्क, क्या मिलता है, एग्स एंड मिल्क। दूसरा मटन फ्रॉम गोट्स, मटन फ्रॉम गोट्स। थर्ड है चिकन फ्रॉम हैन, चिकन फ्रॉम हैन। फोर नंबर पर फिश सी फूड, फिश और सी फूड, ओके। मिल्क प्रोटेक्ट,
क्या बनता है? बटर। मिल्क से क्या बनता है? बटर। चीज। बटर, चीज, आइसक्रीम, आइसक्रीम और घी। मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क से क्या बनता है? बटर, चीज, आइसक्रीम, घी। ओके, अब पढ़ेंगे हाउ फूड हेल्प अस, हमारी फूड हेल्प कैसे करता है। Thank you.
हाउ फूड हेल्प अस, दिस फूड हेल्प अस टू ग्रो, कौन से फूड हमको ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, ग्रो करने के लिए कौन से फूड हमको हेल्प अस करते हैं, मिल्क, आपको डेली मिल्क पीना चाहिए तभी आपकी मम्मी रोज सुबह मिल्क देती है ना, तो कौन सा है, मिल्क, एग्स, फिश, मीट, ओके, ग्रो करने के लिए मीट एंड पल्सेस, पल्सेस मीन्स दाल, अब दाल चावल खा दो ना तो दाल को क्या बोलते हैं, पल्सेस, क्या बोलते हैं, पल्सेस। सेकंड आता है एनर्जी, एनर्जी के लिए कौन सा फ्रूट्स खाने चाहिए, चपाती, चपाती, राइस, चपाती, राइस, ब्रेड, बटर एंड शुगर, ओके, फाइट डिजीज़, फाइट डिजीज़, फाइट डिजीजेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके, ये समझ आया कि ग्रो करने के लिए आपको कौन से फूड यूज करने चाहिए, तो मिल्क, एग, फिश, मीट एंड पल्सेस, पल्सेस मिल्क यानी दूध, एग्स यानी अंडे, फिश यानी मछली, मीट यानी मटन जो गोट से मिलता है, और पल्सेस यानी दाल। एनर्जी लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, चपाती, राइस, ब्रेड, बटर एंड शुगर का यूज करना चाहिए। फाइट, हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम, जब हमको कोई डिजीज हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम ज़्यादातर क्या खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, क्या खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं। फिर हमको ईटिंग टाइम मतलब हमको 3 times खाना चाहिए, पहले लिखा है वी ईट 3 meals इन अ डे, एक दिन में हमको कितने टाइम्स खाना खाना चाहिए, 3 times खाना चाहिए। इन द मॉर्निंग वी ईट ब्रेकफास्ट, सबसे पहले सुबह उठ के ब्रश करके नहा के हमको दूध के साथ क्या करना चाहिए, ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट में आप दूध, बटर, ब्रेड बटर भी ले सकते हो, ब्रेड एग भी ले सकते हो, फ्रूट्स भी ले सकते हो, ओके। तो इन द मॉर्निंग वी ईट ब्रेकफास्ट, सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट लीजिए। इन द आफ्टरनून वी ईट लंच, और दोपहर में आप दाल चावल रोटी सब्जी खाइए, ओके। ऑल नाइट वी ईट डिनर, और डिनर में आप पराठा सब्जी भी खा सकते हो, खिचड़ी पुलाव भी खा सकते हो, ओके। तो हमको एक दिन में कितने टाइम्स खाना खाना चाहिए, 3 times, कितने टाइम्स खाना खाना चाहिए, 3 times, ओके। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फिर ये एक्सरसाइज में आया है कि आप ब्रेकफास्ट में आप जो भी खाते हो वो लिख दीजिए, ढोकला खाते हो, पोहा खाते हो, उपमा खाते हो वो लिख दीजिएगा, लंच में दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो वो लिख दीजिएगा, डिनर में जो खिचड़ी खाते हो, पुलाव खाते हो या पराठा सब्जी खाते हो वो लिखिएगा, ओके। फिर लिखा है नेम द फूड, डज इट कम फ्रॉम एन एनिमल और प्लांट, और कौन कौन से, जैसे कैरेट है ये हमको किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, ये चिकन है ये हमको किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, ये ऑरेंज है ये हमको किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, एप्पल सॉरी टोमेटो प्लांट से, दूध एनिमल से, ओके, इस तरह से लिखते हैं। और राइट रॉन्ग में वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, हमको फूड जो है वो प्लांट और एनिमल से मिलता है, तो राइट हमको फूड प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिलता है। वी ईट ब्रेकफास्ट इन द इवनिंग, हमको ब्रेकफास्ट शाम को करना चाहिए, नहीं, हमको ब्रेकफास्ट कब करना चाहिए, इन द मॉर्निंग, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, रॉन्ग। वी शुड ड्रिंक वेरी लिटिल वाटर, हमको थोड़ा सा ही पानी पीना चाहिए, रॉन्ग, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए।
हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए एनर्जी के लिए फूड और ड्रिंक दोनों की बहुत ज़रूरत होती है। चीज़ इज़ मेड फ्रॉम अ प्लांट। चीज़ जो बनता है अपन उसमें पिज्ज़ा में लगाते हैं वो क्या अपना प्लांट से बनता है? नो, एनिमल से। ओके, हैंड गिव्स अस एग, यस राइट। और ये पजल करिए फिर का, हाउ डज फूड हेल्प अस, तो आप लिख सकते हैं आपकी फूड कैसे मदद करते हैं। तो फूड रिप्लाइज अस टू ग्रो एनर्जी एंड फाइट डिजीजेज। फूड हमारी कैसे हेल्प करते हैं ग्रो करने में, एनर्जी करने में और फाइट डिजीज को फाइट करने में हेल्प करता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। इस लेसन को अच्छी तरह से पहले अच्छी तरह से रिवाइज करिए, पढ़िए, उसके एक्सरसाइज करिए, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।